Hey, guys, welcome back to another video. First of all, Happy Independence Day. और उसी के मौके पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. माइनक्राफ्ट में इंडिया का बड़ा सा फ्लैग बनाने वाला हूँ मैं, तो वही बनाने वाला हूँ. और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये देखो मेरा वर्ल्ड थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, विलेज में हूँ मैं. तो एक्चुअली क्या हुआ, वो जो 1.16 था तो वो वर्जन मेरे इसमें ठीक से मतलब किसी में भी शायद चलता नहीं है, वो ग्लीचेस थे उसमें और मैं साइन इन नहीं कर पा रहा था. इसलिए मैंने 1.14 वर्जन ले लिया, मेरा पुराना वाला जो था, और उसमें मेरा ये जो वर्ल्ड है ये मुझे वापस मिली है, मैंने साइन इन किया था इसलिए. तो आप लोगों को मेरा घर दिखा दो, ये मस्त इधर ऐसा ब्रिज बना है, सब कुछ सर्वाइवल में किया है तो टेंशन नहीं. तो ये है मेरा घर. तो एक्चुअली मेरा बनाया तो नहीं है मैंने, ये डेजर्ट टेम्पल है पिरामिड, इसको बस मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया. वो देखो ऊपर से वॉल्स लगा दिए स्नाइपर टावर जैसा, बस अंदर से थोड़ा मॉडिफाई किया है. ये घंटी इधर विलेज से चुराई थी, ये थोड़ा पिलर्स एडजस्ट किए, इधर के पिलर्स हटा दिए, यहाँ पे स्टोरेज जैसा बनाया. ये बैनर है वो जो पिलेजर्स आते उनको मारा, ये मेरा डस्टबिन है, तो वहाँ पे कचरा पट्टी. और ही आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पे नीचे से ट्रेजर रहता है, तो ट्रेजर उठाया मैंने, फिर यहाँ पे हमने ऐसा लावा डाल दिया. हमने मतलब मैं और मेरा फ्रेंड खेलते थे पहले, वो नहीं है आज, तो इसलिए मैं अकेला खेल रहा हूँ इस पर. तो ये यहाँ पे ऐसा लावा डाल दिया मस्त, कांच लगा के. ये मेरा बाकी सब है, और यहाँ पे ऊपर ऐसा होल होता था वो भी भर दिया मैंने. और आपको ऊपर दिखा तो ये देखो यहाँ से ही यहाँ पे चढ़ते आते हैं इस जगह पे, और वो साइड में भी सेम है. और यहाँ पे ये ऐसा पिरामिड के ऊपर यहाँ पे बेड, ये मेरा है, ये मेरे फ्रेंड का है. तो यहाँ पे ऐसा बना दिया था, ये ऐसा पूरा फेंस से बंद कर दिया ताकि मॉब्स ना आ पाए. और ये मेरा कॉबलस्टोन जनरेटर है, ये मैं पागल हूँ बनाने के, लेकिन अभी डेजर्ट में इतना कॉबलस्टोन कौन ढूंढने जाएगा दूर दूर, इसलिए मैंने जनरेटर बना दिया यहाँ पे. ये पानी का है, और उस तरफ फार्म भी है मेरा. ये देखो ये मेरा फार्म है, ये तोड़ना है. ये मेरा ट्री फार्म है, ये ट्रेडर क्या कर रहा है क्या पता. तो मैंने सोचा ये जो वेल है इसको ना मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके यहाँ पर ऐसा बड़ा सा वो फ्लैग बनाऊंगा मैं. तो इसको मॉडिफाई करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ. तो ये सब प्लेन तो कर दिया है, अभी मैं सामान लेके आता हूँ मेरा. तो ये देखो गाइस फ्लैग तो बन गया है, अभी इतना कुछ खास नहीं लग रहा. अगर आपके पास कोई आइडिया है इसे डेकोरेट करने के लिए, यहाँ पर कुछ डेकोरेट करूँ या ऊपर कुछ करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में बताना. तो मेरे पास कुछ इतना आइडिया था नहीं इसलिए ऐसा बन गया. तो लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना. तो प्लीज़ अगले वीडियो में कुछ ऐसा करने के लिए हो, अगले सीरीज़ के इस पार्ट के लिए अगले कुछ, अगर आपके सजेशन्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना. और फिर मैं ये एपिसोड यही ख़त्म करता हूँ. आप लोगों को वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.